और गुर्जर आरक्षण आंदोलन मामले पर खबर, जहां गृह विभाग ने रासुका लगाने के आदेश जारी कर दिए। 3 महीने की अवधि के लिए जो रासुका का आदेश है वो प्रभावी रहेगा। रासुका लगने पर प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी अब हो पाएगी। रासुका के तहत 1 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। गृह विभाग ने दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, टोंक, बूंदी और झालावाड़ के कलेक्टर को शक्तियां प्रदान की है। आपको साथ ही बता दें कि सरकार से वार्ता के लिए जयपुर सचिवालय में फिलहाल प्रतिनिधि मंडल मौजूद है और कल गुर्जरों ने आंदोलन की जो चेतावनी है वो कल के लिए दी है, तो लगातार जो बातचीत का दौर है वो जारी है। प्रतिनिधि मंडल एक गुर्जरों की ओर से मौजूद है इस वक्त सचिवालय में, बातचीत वहां पर हो रही है। चलिए, अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, लगातार जो रासुका के बारे में बात की जा रही थी उस पर आज मोहर लग चुकी है और अगर अब कोई आंदोलन करता है तो गिरफ्तारी यहां पर लीगल हो गई है। फिलहाल प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है वार्ता के लिए क्योंकि कल का दिन निर्धारित है, क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए यदि बिल्कुल, क्योंकि गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर सरकार अपनी शक्ति बरत रही है, लेकिन देखना यह है कि क्या रासुका वाकई में लागू हो पाता है। बड़ा सवाल यह है क्योंकि अब से पहले जितने भी आंदोलन हुए हैं तब सरकार ने घोषणा जरूर की है लेकिन उसको सख्ती से लागू नहीं किया। यही कारण है कि जिससे आंदोलनकारी उनके हौसले बुलंद होते हैं और कहीं न कहीं वो आंदोलन के दौरान उग्र स्वभाव अख्तियार कर लेते हैं जिससे जनधन की हानि होती है, संपत्ति का नुकसान होता है। अभी भी देखा ही जा रहा है कि सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं और अब इस बार सरकार सख्ती के मूड में नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है सरकार क्योंकि एक तरफ सरकार से वार्ता चल रही है, गुर्जर प्रतिनिधिमंडल की सचिवालय बातचीत चल रही है, दूसरी ओर कर्नल किरोड़ सिंह बैसला ने कल से चक्का जाम की बात कही है। हालांकि कल के बाद उनका कोई बयान नहीं आया है लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि जो यहाँ प्रतिनिधिमंडल से बातचीत होगी उसके बाद वो अपना फैसला लेंगे जी, क्योंकि सरकार पहले ही सूचना दे चुकी है। 3 मांगे जो महत्वपूर्ण थी, जो बैकलॉग भरने की बात थी एमबीसी आरक्षण की, उसको लेकर सरकार ने कह दिया कि 1252 जो पोस्टें हैं, रिक्त हैं, उनका उन पर भर्तियां होगी और शीघ्र ही उसका प्रोसीजर शुरू किया जाएगा जी। इसके साथ ही जो गुर्जर आरक्षण को लेकर भारत सरकार को चिट्ठी भेजी जानी है उसके लिए राजस्थान सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि उसका विधेयक पारित करके केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। ये बड़ी मांग थी और इसका विधेयक पारित करके सरकार भेजेगी। हो सकता है जो आज से विधानसभा सत्र शुरू हुआ है इसी दौरान ये विधेयक सदन में रखा जाए और केंद्र में नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए इसे भेजा जाए। ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वो इसे मान्यता देती है या नहीं देती है, ये अलग विषय है क्योंकि ये लंबे समय से मांग चल रही है गुर्जर समाज की कि जो संविधान जो आरक्षण दिया गया राजस्थान में 5% गुर्जरों समेत 5 जातियों को, उसको जब तक संविधान की अनुसूची 9 में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक उस पर तलवार लटकी रहेगी और यही कारण है इसी डर से गुर्जर समाज लगातार इस बात की मांग उठा रहा है। तो हो सकता है सरकार इसी अधिवेशन के दौरान नए सिरे से विधेयक पारित करके केंद्र सरकार को उसको भेज दे। तो केंद्र सरकार ने जिस तरह से स्वर्ण समाज को 10% आरक्षण देने की बात कही है और उसको लागू कर दिया गया है प्रदेश में, तो उसी तरह से गुर्जर समाज का ये जो 5% का आरक्षण है ये भी नवी अनुसूची में शामिल करने के साथ लागू हो सकता है जी। तीसरा, जो गुर्जर आंदोलन के दौरान अब तक जितने भी आंदोलन हुए उनके दौरान जितने भी मुकदमे लगे हुए हैं उनकी वापसी की मांग थी और साथ में जो उस गुर्जर आंदोलन के दौरान हताहत जो लोग हुए थे उनके परिजनों को मुआवजे की बात थी, तो प्रत्येक परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की सरकार ने हामी भरी है, ऐलान किया है, घोषणा किया है और सरकार बार बार लगातार ये कह रही है कि सरकार के जो दरवाजे हैं वार्ता के लिए खुले हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश में चक्का जाम की धमकी देना है, चेतावनी देना कहीं न कहीं समझ से परे है, लेकिन फिर भी कर्नल किरोड़ी सिंह बैस्ता की इस चेतावनी को हल्के में लेना कहीं न कहीं भूल होगी जैती, क्योंकि इससे पूर्व भी हम गुर्जर आंदोलन के कई स्वरूप देख चुके हैं प्रदेश में, किस तरह से आंदोलन होता है, किस तरह से उग्र आंदोलन की प्रणति छटती है, किस तरह से चक्का जाम के दौरान सब तमाम लोगों को परेशान होती है। इससे कोई भी अछूता नहीं रह पाएगा यदि आंदोलन होता है। त्योहारी सीजन है, सबसे बड़ी बात है दीपावली आ रही है, कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना संक्रमण के दौरान वैसे भी लोगों का एक साथ एकत्रित होना वो भी खतरनाक है, जानलेवा साबित हो सकता है। दूसरा, त्योहारी सीजन है, बड़ी मुश्किल से लोगों की जीवन पटरी पर आने लगी है और इस दौरान अगर कहीं न कहीं ये चक्का जाम होता है तो ये पूरे देश में इसका असर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि वो इस विषय पर जो इन जिन 40 लोगों से बातचीत हो रही है
उनके साथ साथ कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला से भी बातचीत करें, क्योंकि असली आंदोलन का पटाक्षेप, आंदोलन की आगे की रणनीति और आगे चक्का जाम होगा या नहीं होगा, ये तमाम फैसले कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ही लेने वाले हैं। जयती नीरज जी, जैसे ही चक्का जाम की घोषणा यहाँ पर कर्नल बैसला करते हैं, लगातार यहाँ पर जो कयासों का दौर है वो शुरू हो चुका है। इसी बीच लगातार पार्टियों की ओर से प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अगर आंदोलन उन्हें करना है तो उन 25 सांसदों के खिलाफ करना चाहिए जो कि केंद्रों में बैठे हैं, संसद में नवी अनुसूची में अब तक इसे दाखिल नहीं किया गया। देखिए, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब राजस्थान सरकार पूर्व में ही इस तरह का विधेयक भेज चुकी है केंद्र सरकार के पास में, तो केंद्र सरकार को यदि इस आरक्षण को लागू करना ही है तो उसे संविधान की नवी अनुसूची में शामिल कर लिया जाना चाहिए। जी। और अगर नहीं किया जा रहा है तो राजस्थान सरकार फिर से दोबारा विधेयक भेजने की बात कह रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए इस पर राजनीति तो हो ही रही है, क्योंकि राजस्थान सरकार पूर्व में भी ये विधेयक भेज चुकी है। बिल्कुल, केंद्र सरकार की जो है पाले में गेंद है, केंद्र सरकार को लागू करना है या उसको रद्द करना है ये केंद्र सरकार तय करेगा, केंद्र सरकार निर्णय करेगा, और जब तक केंद्र सरकार इस पर मोहर नहीं लगाएगा तब तक ये आरक्षण की जो आग है प्रदेश में लगती रहेगी, हर समय आंदोलन की भी तलवार लटकी रहेगी, क्योंकि जिनको आरक्षण मिला है उनके भी भविष्य पर सवाल या निशान लटके रहेंगे कि कभी भी कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है, फिर पहले की बात ही, फिर लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, फिर सड़कों पर आना पड़ेगा, फिर सरकार कोई रास्ता निकालेगी, ऐसी स्थिति में इसे संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करना ही पड़ेगा और इसके लिए केंद्र सरकार को पहल करनी ही होगी। जैसे क्योंकि जब तक सरकार केंद्र सरकार नहीं चाहेगी तब तक इस पर राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर सकेगी। जयती जी, नीरज जी, संशय की स्थिति में लगातार बीच का रास्ता यहाँ खोजा जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और देखिए, जिस प्रकार से गुर्जर आंदोलन की सुगबुगाहट यहाँ प्रदेश में तेज हो चली, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने चक्का जाम की यहाँ पर घोषणा एक तरीके से कर दी और कहीं ना कहीं सरकार को दबाव में लेने की कोशिश उन्होंने की। हालांकि फिलहाल जो एक प्रतिनिधि मंडल है गुर्जरों की ओर से, 40 दलीय प्रतिनिधि मंडल है, वो राजधानी जयपुर के सचिवालय में मौजूद है और बातचीत वहां पर जारी है। चलिए, अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मनीष चतुर्वेदी इस वक्त फोनलाइन पर जुट चुके हैं। मनीष, प्रतिनिधि मंडल मौजूद है सचिवालय में, कितने लोग वहां पर उपस्थित हैं और कहां जो वार्ता का नतीजा है वो पहुंचता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है? जी जयती, अभी सचिवालय के अंदर पिछले 1.5 घंटे से मीटिंग जो है लगातार चल रही है और अभी सरकार के बीच में और जो गुर्जर प्रतिनिधि मंडल है 41 जो इसके अंदर प्रतिनिधि मंडल में जो लोग शामिल है, तो इनके बीच में वार्ता अभी चल रही है और अभी और ये वार्ता चलेगी, लंबा वार्ता ये चलने के आसार है, बताए जा रहे हैं तकरीबन 1.5 घंटा और अभी वार्ता चलेगी। और इसके अंदर वार्ता के अंदर कोशिश की जा रही है, डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद है, अशोक चांदना जो मंत्री है, खेल मंत्री है और गुर्जर समाज से भी आते हैं, बड़े नेता है, तो कोशिश की जा रही है कि कैसे न कैसे इस मामले में गुर्जर समाज से बैठ के सफल वार्ता की जाए, समझौता हो जाए, ताकि कल जो जिस तरीके से किरोड़ी सिंह बैसला की तरफ से कहा जा रहा है कि चक्का जाम किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, तो ये सब कुछ नहीं हो, इसको लेकर आज एक गुर्जर समाज का जो हिम्मत सिंह जो नेता है गुर्जर समाज के, इनका एक गुट है, प्रतिनिधि मंडल है, इनके साथ में सरकार की वार्ता हो रही है और हर संभव इनके साथ में प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वार्ता को सफल बनाया जा सके, समझौता किया जा सके। और लगभग यही लग रहा है कि जिस तरीके से वार्ता लंबी चल रही है कि ये कहीं ना कहीं आपस के अंदर जिस सरकार और गुर्जर समाज का जो एक गुट है तो इसके बीच में समझौता किन्हीं बिंदुओं पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कई मांगे हैं, कई बिंदु हैं, उनके ऊपर अलग अलग तरीके से अलग अलग बात हो रही है। मनीष, लेकिन अगर गुर्जर आरक्षण आंदोलन का जी प्रणेता अगर कभी इतिहास में किसी को कहा जाएगा तो वो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को, उनकी क्या सहमति है, क्या समन्वय जो हिम्मत सिंह जी और उनका जो प्रतिनिधि मंडल है 41 दलीय है उनके बीच में और जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला है उनके बीच में सहमति बन रही है किसी बात को लेकर? देखिए, बड़ी बात यह है कि इस बैठक के अंदर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और उनके जो गुट है उनके कोई भी यहाँ पे प्रतिनिधि मंडल का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे इसके अंदर मौजूद नहीं है। और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की तरफ से पहले भी इस मामले में क्लियर कहा जा चुका है कि वो जो वार्ता करेंगे वो बंद कमरे में वार्ता नहीं करेंगे, यहाँ पे सरकार के साथ वार्ता नहीं करेंगे और वो जो वार्ता करेंगे वहां पर जिस जगह वो आंदोलन की बात कर रहे हैं वहां वो वार्ता करेंगे, क्योंकि वो लगातार यही उनका कहना है कि उनकी जो मांगे हैं अब तक सरकार ने नहीं मानी है, ऐसे के अंदर इस तरीके से वार्ता वो करने के अंदर जो है पक्ष में नहीं है। तो ऐसे में जिस तरीके से हिम्मत सिंह जो ये गुर्जर समाज के ये भी एक बड़े नेता है, तो इनको लेकर जिस तरीके से आज ये सरकार के साथ वार्ता हो रही है इसके अंदर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला है इस वार्ता के पक्ष में नहीं है। जी जी मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।